क्या आप एक एनवायरमेंटलिस्ट या प्रकृति प्रेमी हैं, या फिर आपके दोस्त एक एनवायरमेंटलिस्ट या प्रकृति प्रेमी हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या गिफ्ट दें? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी पांच ऐसे गिफ्टिंग आइडियाज की जो एनवायरमेंटलिस्ट को पसंद आते हैं, पांच ऐसे तोहफे जो आप अपने एनवायरमेंटलिस्ट दोस्त को दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर पांच पर है पौधे या प्लांट्स। हम सभी जानते हैं कि हम एनवायरमेंटलिस्ट को पौधे या प्लांट्स कितने पसंद आते हैं। तो अगर आपके दोस्त भी एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो आप उन्हें तोहफे में एक पौधा दीजिए। मैंने एक वीडियो में देखा था कि दीपिका पादुकोण जो मशहूर एक्ट्रेस हैं, उनको चैंग जो कि एक मशहूर सिंगर हैं, चैंग पहली बार जब दीपिका पादुकोण के घर जाते हैं तो उनके लिए गुलदस्ता नहीं बल्कि कड़ी पत्ते का एक पौधा लेके जाते हैं गमले में लगा हुआ, और दीपिका उसको देख के बहुत खुश हो जाती हैं और चैंग को बहुत धन्यवाद देती हैं और बार बार उस पौधे की खुशबू ले रही होती हैं। तो वो तो दीपिका पादुकोण है, पर हम एनवायरमेंटलिस्ट को भी अगर आप एक फूलों के गुलदस्ते की जगह कोई सुंदर पौधा देते हैं, जैसे कि अगर मेरी बात करें, मैं खुद एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो मुझे अगर कोई तुलसी का पौधा देता है या कड़ी पत्ते का पौधा देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी गुलाब के गुलदस्ते की जगह एक तुलसी का पौधा या एक कड़ी पत्ते का पौधा या एक गुलाब का गमला मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अगर आपके दोस्त बहुत ही रिफाइंड या सोफिस्टिकेटेड या कहें परिष्कृत हैं तो उनको आप एक ऑर्किड का पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। ये एक ऑर्किड का पौधा है जो आप किसी भी अपने रिफाइंड एनवायरमेंटलिस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पौधा होता है ये और बहुत ही रेयर मिलता है। तो फूलों के गुलदस्ते की जगह आप फूलों का पौधा या कोई ऐसा पौधा जो आपके दोस्त को पसंद आ जाए वो दें तो वो ज्यादा खुश हो जाएंगे। नंबर 4 पर है फ्रूट्स। जी हाँ, हम एनवायरमेंटलिस्ट को फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रूट्स नेचुरल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं और फ्रूट्स को खाने से हम सेहतमंद रहते हैं और हम ज्यादा दिन जवान रहते हैं, तो इसलिए हम फ्रूट्स खाना प्रेफर करते हैं। तो मिठाइयों की जगह अगर आपके दोस्त एनवायरमेंटलिस्ट हैं और आप उनके घर पहली बार जा रहे हैं तो फलों की एक टोकरी लेके जाएं। नंबर 3 पर है बांस की बनी चीजें। बांस ही क्यों, कोई और लकड़ी क्यों नहीं, क्योंकि बैम्बू इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिन्यूइंग नेचुरल रिसोर्सेस। बांस बहुत जल्दी उपजता है। अगर आज आपने बांस का एक पेड़ काटा है तो अगले 1 साल के अंदर आपको उसी जगह बांस का दूसरा पेड़ मिलेगा अपने आप ही। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, अपने आप ही बांस का पौधा उसी जगह दूसरा निकल जाता है। तो इसलिए अगर बांस के पेड़ को काटा भी जा रहा है तो उसकी जगह दूसरा उपज जाएगा, तो प्रकृति का नुकसान नहीं होगा। इसलिए बांस की बनी चीजें हम इन्वायरमेंटलिस्ट को अच्छी लगती हैं। और साथ में बांस का एक अपना स्वरूप है, बहुत खूबसूरत होता है, उससे बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां जैसे कि बांस के बर्तन, बांस की बांसुरी, बांस के आर्ट एंड क्राफ्ट, दीवार में लगाने के लिए वॉल हैंगिंग्स, ऐसी बहुत चीजें बांस की बनती हैं जो हमें पसंद आती है। पर एक बात का ध्यान रखें, उस बांस पर अगर रंग किया हुआ है तो वो अनलेडेड पेंट हो। लेड युक्त जो पेंट होता है उससे कैंसर होता है, हम इन्वायरमेंटलिस्ट ये बात जानते हैं, तो इसलिए हम लेड युक्त पेंट को अवॉइड करते हैं, उसको उसका बहिष्कार करते हैं। तो अगर आप एक एनवायरमेंटलिस्ट को गिफ्ट दे रहे हैं बांस की बनी कोई चीज, तो ये इंश्योर करें कि उस पर जो रंग किया हुआ है वो अनलेडेड पेंट हो। और अगर बांस नहीं मिले तब क्या करें? अगर बांस न मिले तो आप किसी नेचुरल फाइबर का बना हुआ इस तरह की, इस जैसे नेचुरल फाइबर का बना हुआ, इस तरह के जूट का बना हुआ या कोई और नेचुरल फाइबर का बना हुआ कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। कोई कलाकृति, कोई शो पीस, वॉल हैंगिंग, ऐसा कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। नंबर 2 पे है नेचुरल आइटम्स या प्राकृतिक चीजें। अब ये क्या हो सकती है, जैसे समुद्र किनारे हम जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर पत्थर मिलते हैं, या समुद्र किनारे अक्सर मार्केट लगी होती है और वहां सीपियां बिक रही होती है। ये वो सीपियां होती हैं जो वैसे भी मरकर किनारे पर आ जाती हैं और उसको फिर चुन लिया जाता है और उसको फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। अगर ये वैसे सीपियां हैं तो हम इन्वायरमेंटलिस्ट को ये गिफ्ट बहुत भाता है क्योंकि इससे इन्वायरमेंट का, नेचर का कोई नुकसान नहीं होता है। वो सीपियां वैसे भी मर चुकी थी, उसको उठा के साफ करके और लोग बेच रहे होते हैं। सीपियों की बनी हुई काफी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें होती हैं। आईना होता है, आईने के किनारे सीपियों की सजावट होती है, बहुत सुंदर लगता है वो आईना। तो इस तरह के गिफ्ट्स आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे पत्थर वगैरह भी सुंदर सुंदर पाए जाते हैं। अगर उस तरह के कोई पत्थर है जो प्राकृतिक रूप से पाया गया और चुना गया, उसमें इसमें कोई खुदाई या खनिज प्रक्रिया नहीं हुई है, तो वैसे चीजें भी हम इन्वायरमेंटलिस्ट को बहुत भाती हैं। और नंबर 1 पर क्या है, नंबर 1 पर है एंटीक आइटम्स। कोई भी चीज जो जितनी भी पुरानी हो, हम इन्वायरमेंटलिस्ट उस पुरानी चीज की कीमत समझते हैं, हम मानते हैं ओल्ड इज गोल्ड।
तो अगर आपके पास कोई पुरानी शॉल है जो 50 साल पुरानी है, या कोई पुराना लकड़ी का सुंदर बक्सा है, या फिर कोई पुरानी धातु की चीज है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, हम एनवायरमेंटलिस्ट को ऐसे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें पुरानी चीज की एंटीक वैल्यू तो होती ही है, साथ में इस पुरानी चीज के लिए कोई नई प्रक्रिया, कोई नया प्रोसेस नहीं हुआ है। जितना नया प्रोसेस होता है, जितना नया मैन्युफैक्चरिंग होता है, उतना ही पर्यावरण का नुकसान होता है। और जो चीज पुरानी है, घर में रखी हुई है, उससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर वो चीज आज भी सुंदर है और उपयोग में लाने योग्य है, तो हमें वो गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास खुद काफी पुरानी पुरानी चीजें हैं, जैसे कि मेरी दादी माँ की पुरानी अंगूठी, या फिर कोई पुरानी शॉल जो कभी हमारी दादी ओढ़ा करती थी, इस तरह की चीजें, कोई पुराना लकड़ी का संदूक जो 50 साल पहले था। और सबसे ज्यादा मुझे पसंद है विंटेज कार्स, जी हाँ, क्योंकि जो नई कारें होती हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में अगेन बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, पर विंटेज कार्स की जो अपनी एक खूबसूरती है उसकी बात ही और होती है। तो विंटेज कार्स मुझे बहुत पसंद है। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई मुझे विंटेज कार्स गिफ्ट में दे, बस मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मैंने आपको बताई वो 5 चीजें जो आप इन्वायरमेंटलिस्ट को गिफ्ट में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कम से कम 3 दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।